दोस्तों सामने देख सकते हैं इंडिया जीत चुकी है और उसके जश्न में ये ऊपर दिवाली बना दी है। देखिए नजारा है, क्या बात है दोस्तों। 8:06 पे वहां से जो लाइट मतलब की दिवाली बना दी गई है आज ही 14 अक्टूबर को ही, और यहाँ पर खुशी की लहर हो, इंडिया फाइनली जीत चुकी है। क्या बात है, सामने देख सकते हैं आप, पहली बार इतना नजदीक से मैं इस व्यू को देख रहा हूँ, इस माहौल को देख रहा हूँ। नहीं तो आज से पहले मैं टीवी के अंदर ही देख पाता था ये पे इतना रुका मचाना, माहौल बना देना, इंडिया इंडिया, और हर जगह ब्लू ब्लू छा हुआ है इंडिया। ये है हमारा इंडिया। और लोग आ रहे हैं उधर से, ये न्यूज वाले इनसे जबरदस्ती करवाते हैं। और यहाँ पर इंडिया के लोग आते हुए बुमराह, ये मेरा फेवरेट बॉलर है, इंडिया जीत गई। तो अंदर से लोग आ रहे हैं, ये क्या बात है, ये लोग आते हुए अंदर से, और माहौल तो आप देख ही सकते हैं, क्या बात है, तिरंगा लहरा रहे हैं भाई। अगर तुम मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो चीज़ें अभी आप घर से देख रहे होंगे ये वाली सब चीज़ कैमरे के माध्यम से, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ अलग है, और मैं अंदर नहीं जा पाया, इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा अफसोस है। ये देखिए इंडिया, मुल्ला जी भी इंडिया के साथ है। और ये हमारा तिरंगा लहराता हुआ, लगता है बुमराह ने इस पर कमाल कर दिया, आई थिंक मैंने लाइव नहीं देख पाया ढंग से। वहां भी देखो बस इंडिया का जलवा, कैसा लग रहा है इंडिया जीत गया, बहुत तगड़ा लग रहा है, इंडिया जीत गया है, मजा आ गया भाई, बहुत मजा आया। खाली एक ख्वाहिश अधूरी रह गई, रोहित शर्मा ने सेंचुरी नहीं मारी। अरे भाई क्या बात है, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम पूरी करेगा वो, अगर रात तो खेलने की न्यूज़ में भाई सब ने मस्ती में। दोनों तरफ देख रहे हैं माहौल क्या है, लोग आते हुए, और अब दोनों तरफ से लोग जा रहे हैं, और उनके रिएक्शन देख सकते हैं कितने खुश है भाई साहब, वो कैमरे वाले भी उनके पीछे पीछे आते हुए, वाह इतनी खुशी कैमरे पे बोल के होती है लोगों को, मुझे नहीं पता था भाई, मुझे बहुत मजा आ रहा है अब शूट करने में, पहले थोड़ा मजा नहीं आ रहा था थोड़ा सा, क्योंकि अंदर का नजारा होता देख पाता तो और मजा आता भाई, क्योंकि पूरा शूट करके आपको मैं दिखा था, लेकिन कोई नहीं, ये भी हम एंजॉय कर रहे हैं, हम जहाँ खुशी नहीं होती हर चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, और यही चीनू का काम है, जहाँ खुशी ना हो वहाँ बना दी जाती है। और नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर मैं पानी की बोतल की दुकान खोल लूँगा, अच्छी खासी बिक्री हो सकती है मेरी, लगभग मैं दिन में
10,000 तो कमाई लूंगा। और ये हमारे सोल्जर, और ये अपनी बाल्टी छोड़ के चली गई। ठंडा पानी, क्या बात है। देखिए दोनों तरफ से आ रहे हैं लोग। यहाँ मुझे लोग समझ रहे हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर हूँ मैं। हाँ जी, चलते हैं दोस्तों। अब बहुत यहाँ माहौल तो बना ही रहेगा, क्योंकि लोग लगभग कम से कम 1,32,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो मुझे लगता है निकलना तो लगा रहेगा 11-12 बजे तक। और इंडिया जीत गई, इंजॉय कीजिए इस माहौल को। तो दोस्तों 5:22 हो चुकी है और लगता है पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म। अब 10 विकेट पूरी हो चुकी है और 191 रन है उनके पूरे, तो ये समझो इंडिया जीत गई। अब तो ये तो इंडिया वाले इतने रन तो यही बना देंगे हंसते गाते फिरते नहीं। तो मैच बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया है भाई, इतना सोचा नहीं जाएगा जल्दी मैच ख़त्म हो जाएगा। हमें लगा कि 6-7 बजे तक पाकिस्तान खेलेगी, ठीक ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ख़त्म हो गया, मतलब कि 5:22 पे ही। क्या हो गया है? अलाउट हो गया। अभी आउट नहीं हुआ है? अलाउट हो गया। ऑल आउट, ऑल आउट, ऑल आउट हो गया पाकिस्तान भाई। कितना हो गया? 191 तो भारत को चाहिए 192 रन, 3.84 का रन रेट है। हर ओवर में इतने रन बना के चलेंगे तो जब जीत जाएगी भारत। और ये देखिए लोगों में खुशी की लहर, और अस इंडिया का इंतजार है। इंडिया बहुत जल्दी मैच खत्म कर देगी। देखे बैलून आते हुए, थोड़ा सा आगे का नज़ारा दिखाते हैं हम आपको। सस्ते न्यूज रिपोर्टर भाई साहब, कितनी बुरा हाल कर दिया न्यूज रिपोर्टर का। ये देखिए लोग पागल हो चुके हैं फोटो कैसे इनके साथ। अरे यार, ये देखिए 5:30 बज चुके हैं और हालांकि पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो चुकी है, और यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर आज तक के जो बिल्कुल और सामने ये है। और पता है एक खास बात बताऊंगा इस बार क्या हुआ है, पहली बार स्टेडियम के अंदर मतलब कि वाटर फ्री था, नहीं तो भाई पैसों से बढ़ता है वो, बिना पैसों के मिलता नहीं कुछ भी अंदर। लाइव चला रखा है भैया, लोग पागल हो जाते हैं कैमरा देखते हुए। दोस्तों ये 6:42 का माहौल है, और ये इधर रिपोर्टर है, पता नहीं कौन है ये, और ये माहौल है।
देखिए अंकल जी क्या मजे लेते हुए। ये कोई लेडीज रिपोर्टर है, ठीक है दोस्तों। मेरा फ़ोन भी डाउन हो गया तो मैंने पावर बैंक पर लगा रखा है, जब तक चल पाता है ठीक है, नहीं तो ओके ओके। तो रात थोड़ा सा दिन छिप चुका है तो माहौल थोड़ा सा अब यहाँ बदल चुका है, क्योंकि इंडिया आपको पता है स्कोर अच्छा कर रही है और अच्छा खेल रही है। लोग मजे लेते हुए दोस्तों पब्लिक अंदर से बाहर आती हुई, दोस्तों सारे लोग बाहर से अंदर से बाहर निकल के आ रहे हैं और 24 आवर हो चुके हैं अब और 162 रन समथिंग कुछ ऐसा ही है। तो ये देखिए पूरे भाई सा माहौल, ये समझो ये लोग बाहर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इंडिया जीत चुकी है। अभी तो वैसे 191 रन बनाने हैं टोटल, 192 चाहिए, लेकिन ये लोग बाहर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया फाइनली जीत चुकी है। और अभी तो भाई 24 ही ओवर हुए हैं, हमारे देश के लोगों को यकीन है कि जो समथिंग कुछ रन बचे हैं वो तो कंप्लीट यूं ही कर देंगे चुटकियों में। तो दोस्तों रात का नज़ारा ये है और यहाँ से हमारा एक दोस्त अंदर गया था ब्लैक टिकट से जो 400 रुपये का था, वो भी अब आने वाला, उसका इंतजार कर रहे हैं हम। ये देखिए भाई दोस्तों फाइनली डोर बच चुका है और इंडिया की खुशी में इस तरीके से नजारा है, क्या बात है। देखिए सारे लोग जश्न मनाते हुए और ये भाई जश्न का इजहार करते हुए डोर बजा के, क्या बात है। भारत के कैमरा मैन भी बस क्या ही बताऊं, हर जगह वहां पहुंच जाते हैं जहां समथिंग न्यू होता है। और ये देखे सारे मीडिया, अभी यहां कुछ नहीं था लेकिन एकदम इकट्ठा हो गई। और दोस्तों इंडिया जीत चुकी है दोस्तों, अभी कोई मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी 30 रन चाहिए समथिंग, तो लोग पहले ही बाहर आ चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है इंडिया जीत चुकी है। ये देखिए दोस्तों बात, लोग ना अंदर से स्टेडियम की सीट छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, उन्हें पता है इंडिया जीत चुकी है। और वहाँ पे बिल्कुल माहौल अब ये समझो एक तरफा हो चुका है, और जहाँ एक तरफा माहौल हो जाता है वहाँ से लोग उठ के बाहर आ जाते हैं। तो ये इंडिया की जीत को इजहार करते हुए लोग, इंडिया के लोग बाहर आते हुए, ये देखिए अभी मैच खत्म भी नहीं हुआ है, पहले छोड़ दिया भाई। इंडिया के लोगों को कितना विश्वास है। दोस्तों हमारा स्टेडियम का जो टूर था वो यहीं पे खत्म होता है और
अब हम चलते हैं और आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में नवरात्रों के अहमदाबाद के बहुत ही स्पेशल नवरात्रे। अब सबका आवाजाही रहेगी और सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे, अब और कुछ नया नहीं होने वाला। ठीक है, इंडिया जीत चुकी है, इसका जश्न मनाइए और अपने घर में लड्डू बांट दीजिए। और कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं तो नवरात्रों का भी जश्न मनाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, खत्म करते हैं यहाँ पर। दोस्तों सामने देख सकते हैं इंडिया जीत चुकी है और उसके जश्न में ये बना दिया भाई पूरी बारिश का माहौल है। बिलू बिलू चमक रहा है आपको हर जगह, इसका अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। जैसे अपने तरीके से यहाँ पर जैसे मनाया जाता बाहर भीड़ दे देते हैं।